उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में वाष्ट्रीय बलिया जहां पर छोटकी सोरिया निवासी अमर शहीद प्रवीण सिंह आज 13वीं पुष्प तिथि है, जहां पर आपको बता चले कि शहीद प्रवीण सिंह की सेवा समिति के तत्वाधान में सोरिया शहीद में प्रवीण सिंह शिक्षण संस्था के परिसर में उन्हें सिद्ध की याद किया गया है। पुष्प तिथि के बतौर मुख्य अतिथि के संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बलिया यहां पर विभाग के प्रचारक श्री प्रकाश जी ने कहा कि यह देश के शहीदों का ऋण से अब भी कभी ऋण नहीं हो सकता है, जहां पर जान हथेली पर रखकर देश की सीमा पर खड़े रहने के लिए शहीदों को अभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैं आर्मी भाइयों से ये आग्रह करता हूं कि जैसे आज तक हमारे देश की रक्षा किए हैं वो करते रहे, और हम अपने नौजवान भाइयों से आग्रह करता हूं कि अपनी देश की रक्षा के लिए वो हर कदम आगे बढ़ाएं और प्रवीण सिंह जैसा बनने की कोशिश करें, प्रयास करें। आज तो खुशी से आँख भर रहा है, और हम तो यही चाहेंगे कि इसी तरीके से नौजवान देश की रक्षा करते हुए आगे को बढ़े, और आने वाले आगे पीढ़ी भी हमारे गांव के, हमारे इस बांसडी और बलिया के उत्तर प्रदेश के जवान कम से कम जा कर के और सीमा पर अपने देश की रक्षा को करें। शहीद प्रवीण सिंह का बड़ा भाई जी, आज आप उनके बड़े भाई हैं जी, आज जो शहीद देश के शहीद हो गए जी, आपको किस प्रकार गर्वान्वित महसूस हो रहा है? हम, मेरे दिल में यही है कि हमारे भाई के शहीद में इतने लोग आए हैं, ऐसे मौका मिले बार बार, और अपने बेटे और भाइयों को इसी सरहद में भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। सरकार ने क्या चाहते हैं? सरकार कोई मदद नहीं हम लोग को की है अभी तक, आना करेगी। सरकार से कोई हम लोग का उम्मीद नहीं है, शुरू से लेकर अभी तक कोई सरकार की तरफ से कुछ सहयोग नहीं दिया। जो मिला वो आर्मी वाले दिए हैं, बाकी सरकार से ना राज्य सरकार से कुछ हुआ है नहीं, तो ये आपको केंद्र सरकार से कोई हम लोग का इसी नहीं मिला। पूर्व विधायक मास्टी जी, आज किस प्रकार कार्यक्रम है आप यहाँ मुख्य तौर पर पाए? यहाँ कार्यक्रम अमर शहीद प्रवीण सिंह का आज जो उनकी यादगार में कार्यक्रम लगाया गया है, उसी कार्यक्रम में हम लोग आए, क्योंकि प्रवीण सिंह ने अपने जिंदे जी दुश्मनों को छक्के छुड़ाने का काम किया था कश्मीर में, और अपने प्रणामती दी थी, और अब क्षेत्र का बांसटी का विशेष करके देश का तो जो हुआ, अपने बांसटी का नाम जो है रोशन किए, अपने गांव का नाम रोशन किए, अपने माता पिता का नाम रोशन किए, ऐसे शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करना निहाय जरूरी है। समाज में भी संदेश भेजना जरूरी है कि देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा तभी आप हम सुरक्षित रहेंगे, इसलिए कुट कुट करके ये चीज़ को भरना जरूरी है। इस उद्देश्य से श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में क्या संदेश देंगे? प्रदेश में संदेश देंगे कि जो मेरी सरकार शहीदों के प्रति समर्पित है, देश की सुरक्षा के प्रति समर्पित है, देश को सम्मान देने के लिए आगे जो काम कर रही है, जो देश को संपूर्ण विकास की तरफ ले जाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विशेष करके हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी जो दिशा में काम कर रहे हैं वो अनुकरणीय है और देश को आगे बढ़ाने वाला है, तो इसका संदेश निश्चित जाएगा। आज के पुष्पांजलि अर्पित करने का, माल्यार्पण का जो कार्यक्रम इनका यादगार में हुआ है, इसकी निश्चित एक अच्छी समाज में सोच पैदा होगी और इंसान जागृत होगा देश के प्रति समर्पित होने के लिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को